आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अ फार्मर इज ग्रोइंग अ क्रॉप रेगुलरली इन हिज फील्ड। ही यूजेस केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैन्योर एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर्स। वेरी क्लोज टू हिज फील्ड इज अ फैक्ट्री विच एमिट्स स्मोक एज अ बायो प्रोडक्ट। देर इज ऑल्सो अ ह्यूज लेक इन द नियर बाई एरिया। तो इस पैराग्राफ में पूछा है, बोला है कि एक फार्मर है जो कि अपने फील्ड में एक क्रॉप उगाता है रेगुलरली, और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उनको यूज़ करते हैं, और बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं। और उस फील्ड के पास जो है एक पास में एक फैक्ट्री भी है और एक तालाब है, एक लेक है। तो पूछा है क्वेश्चन में इसी पैराग्राफ के ऊपर, अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन प्लांट लाइफ इन द लेक वॉज नोटिस्ड आफ्टर द फार्मिंग एक्टिविटी इंटेंसीफाइड। द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस कुड बी। तो जब फार्मिंग एक्टिविटी इंटेंसीफाइड हुई, इसका मतलब जब फार्मिंग बढ़ गई, और इसका अगर रिलेशन प्लांट लाइफ, प्लांट्स इन लेक है, अगर ये भी बढ़ गए, इसका मतलब ये कि जो लेक के जो प्लांट्स थे उनमें जो है न्यूट्रिएंट्स वो पहुंचना स्टार्ट हो गए। जो लेक में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट बढ़ गया। तो अगर ऑप्शंस को देखें, पहला ऑप्शन कहता है केमिकल फर्टिलाइजर्स लीज इन टू द लेक फ्रॉम द फील्ड। तो ये जो है एक पॉसिबिलिटी है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स बेसिकली वैसे केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और जो यील्ड है क्रॉप का वो बढ़ाते हैं। तो यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेक में रन ऑफ कर गए होंगे, जो ग्राउंड वाटर है उसके थ्रू लीच कर गए होंगे, जिससे कि ये जो फर्टिलाइजर्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस लेक के प्लांट्स को मिल गए, और इनकी जो ग्रोथ है वो इंटेंसीफाई हो गई। मेनली इस तरह के ग्रोथ में एल्गे ग्रो करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। फिर दूसरा कहता है पेस्टिसाइड्स लीच इन टू द लेक फ्रॉम द फील्ड। तो जो पेस्टिसाइड्स हैं ये भी डेफिनेटली लीच किए होंगे फ्रॉम द फील्ड, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स हैं उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पेस्ट को किल करने के लिए होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी कहता है ऑर्गेनिक मैन्योर लीज इन टू द लेक फ्रॉम द फील्ड। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है इसमें जो है प्योर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं होते, सच एज नाइट्रोजन या फॉस्फोरस उस फॉर्म में नहीं होते, कि ये जो है इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते कि ये लेक की जो ग्रोथ है उसको बहुत इंटेंसीफाई कर सके। तो ये ऑप्शन भी गलत है। डी कहता है स्मोक पार्टिकल्स फ्रॉम द इंडस्ट्री गॉट सेटल्ड इन मॉइस्ट सराउंडिंग्स ऑफ द लेक। तो ये ऑप्शन भी जो है सही से एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि जो इन फैक्ट्री है वो काफ़ी टाइम से थी, लेकिन जो लेक में ग्रोथ है वो तभी इंक्रीज हुई जब फार्मिंग एक्टिविटी वो इंटेंसीफाई हुई। तो ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।